हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के उद्घाटन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलती है एंड स्टूडेंट्स स्टूडेंट मैगनीब्रेन का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से है तो जाइए उनको बताइए कि मैगनी ब्रीन उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैगनेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी कंटेंट ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मैगनर ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है डब्ल्यू जैसे ही आप मैगनर ब्रेन की वेबसाइट क्लिक करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है डेली प्रैक्टिस पेपर्स वीडियोज लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड डेली बोर्ड एम बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड यूपी बोर्ड के साथ साथ मैगनी ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्सेज मैगन स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है आपको बस मैनेट ब्रेनस को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन के साथ जो है फ्लेम के ऊपर कि ये फ्लेम है क्या ये फ्लेम बनता कैसे है और एक्चुअली इस फ्लेम का रीजन क्या है जलने का और आपने कभी सोचा है जब हम आग जलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों होती है आग नीचे की तरफ क्यों नहीं जलती ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आज के सेशन के बाद आपको मिल जाएंगे कि व्हाट इज फ्लेम फ्लेम कैसे जलता है कंबस्टेबल मटेरियल्स ही फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे मटेरियल जो इवैपोराइज करते हैं सिर्फ वही फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करते हैं सो so, इस सेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल मेंस के बारे में सो so, शुरू करते हैं एक्चुअली व्हाट इज फ्लेम ये फ्लेम एक्चुअली है क्या ऐसी चीज जो आसमान में एवेपोराइज करे कंबस्टेबल मटेरियल को फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लू कि आयरन की नेल पे आप आग लगाओ तो क्या वो बर्स्ट करेगी बिल्कुल भी नहीं यही अगर मैं आपसे बोलू कि एक आप वो ले लो स्टोन ले लो स्टोन पे आग लगाओ तो क्या वो जलेगा बिल्कुल भी नहीं लेकिन यही अगर आप एक मैचस्टिक लाइट करोगे तो वो एवेपोराइज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऊपर की तरफ फ्लेम देता है यही अगर आप वुड जलाओ तो वुड भी वेपराइज करके फ्लेम प्रोड्यूस करता है एंड यही अगर आप चारकोल को बर्न करो तो वो फ्लेम नहीं देता क्योंकि चारकोल क्या रिलीज करता है कार्बन डाई ऑक्साइड एंड स्टूडेंट्स हर वो कंबस्टेबल चीज जो इवेपोराइज करती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से वही सिर्फ को प्रोड्यूस करती है सो so, आज के सेशन के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि ही फ्लेम प्रोड्यूस करती है कैंडल क्यों फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ऐसे सब्सटेंस जो इवेपोराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से वही ही फ्यूल फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकते हैं इज दैट क्लियर सो इज फ्लेम अ फ्लेम इज अ विजिबल ल्यूमिनस जैसे ही फ्लेम जलती है तो एक सडन रोशनी हो जाती है तो फ्लेम इज विजिबल एंड ल्यूमिनस ल्यूमिनस मतलब सडनली शाइन ले आते हैं सो वॉट इज फ्लेम में हम देखेंगे फ्लेम को कि फ्लेम इज विजिबल फ्लेम हमें दिखता है हम इजिली इस फ्लेम को देख सकते हैं इट इज ल्यूमिनस सडनली वो ब्राइटन अप कर देता है सो इट इज ल्यूमिनस

और ऐसी कोई भी चीज जो क्या फायर को कैच करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इग्निशन टेम्प टेम्परेचर सो हर चीज का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो फायर कैच करता है सो so, जिसकी वजह से फ्लेम जल पाती है सो so, स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबाशन सो फ्लेम भी क्या शो कर रहा है कंबाशन ही शो कर रहा है फ्लेम रिएक्शन क्योंकि वो 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 जो जो है, है, है. है. की presence में और कर कर रहा है, तो वो combustion शो कर रहा तो साथ ही साथ वो कैसा मटेरियल होगा कंबस्टिबल मटेरियल एंड स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे इट इज केमिकल रिएक्शन देयर कलर एंड अपीयरेंस कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर सच एस टाइप ऑफ फ्यूल अब स्टूडेंट्स जो एक मैथस्टिक आग निकालती है फ्लेम प्रोड्यूस करती है वही अगर आप नोटिस करो कि जब आप पेपर बर्न करते हो तो अलग टाइप की आग जलती है और यही अगर आप, आप बहुत बड़े कैरोसिन के सिलेंडर को आग लगाओ तो बहुत एक्सप्लोजन वाली आग प्रोड्यूस होगी So similarly, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि जैसा फ्यूल है वैसा उसकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है सो so जरूरी नहीं है कि हर फ्यूल एक तरीके की लाइट एमिट करे हर फ्यूल डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर अलग अलग टाइप के फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट क्योंकि हर फ्यूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं और जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है so हर element, हर fuel का अलग अलग है इसीलिए हर फ्लेम अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होगी हर फ्यूल की इज दैट क्लियर नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम स्टूडेंट आपने कभी नोटिस कराए की जो फ्लेम होती है जो फ्लेम होती है वो कुछ इस तरीके की होती है जो आउटर पार्ट रहता है फ्लेम का वो ब्लू कलर से रहता है एंड आप नोटिस करते हो मिडिल पार्ट यूजली येल्लो कलर का रहता है मिडिल पार्ट यूजली येलो कलर का रहता है और जो इनर पार्ट रहता है जो इनर पार्ट रहता है वो आपको ब्लैकिश कलर का दिखता है इनर पार्ट हमको ब्लैकिश कलर का दिखता है सो so ये जो आउटर पार्ट है ये अलग इंटेंसिटी का होता है मिडिल पार्ट अलग इंटेंसिटी का होता है एंड द डार्केस्ट पार्ट विच इज द इनर मोस्ट पार्ट ये एक अलग इंटेंसिटी का होता है सो so, क्यू की फ्लेम के अलग अलग पार्ट की अलग अलग इंटेंसिटी है उसका यूज हम अलग अलग चीजों में करते हैं इज दैट क्लियर सो आपको ये चीज समझना है कि फ्लेम एक कलर का नहीं होता आपने कभी नोटिस करा है और नहीं करा है तो जल्दी से कैंडल लाइए कैंडल को लाइट कीजिए आप नोटिस करोगे कि तो कैंडल का आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है वो ब्लू कलर का होगा एंड जो मेजोरिटी मिडिल पार्ट है वो येलो कलर का होगा और इनर में आप नोटिस करोगे आपकी बत्ती के इधर या फ्लेम की बड के इधर वो पार्ट ब्लैकिश कलर का होगा सो so, स्टूडेंट्स हर पार्ट की अलग अलग इंटेंसिटी है हर पार्ट का अलग अलग जोन है एंड हर पार्ट के अलग अलग फंक्शन है सो फर्स्ट इज जोन वन जो कि है आउटर मोस्ट जोन तो जो जोन वन है उसको हम क्या कहेंगे आउटर मोस्ट जोन सो ये होगा हमारा आउटर मोस्ट जोन जिसको हम कंबस्ट कंबस्टेबल जोन भी कहते हैं दिस इज द मिडिल जोन दिस इज मिडिल जोन दिस इज द इनमोन सो दिस इज दल होते हैं जो आउटर मो जोन है दो जोन जो की ब्लू कलर से है जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट जोन दट इज दॉटेस्ट जोन सो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेम का हॉटेस्ट जोन कौन सा है तो आप क्या कहोगे द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम और जो मिडिल जोन है वो मॉडरेटली हॉट रहता है सो मिडिल जोन इज मॉडरेटली हॉट और जो इनर मोस्ट जोन है दैट इज लीस्ट हॉट सो हमने क्या पढ़ा कि इनर मोस्ट जोन जो रहता है वो लीस्ट हॉट रहता है So, आज के सेशन के बाद आपको यह समझ आ गया कि फ्लेम के अलग अलग ज़ोन्स रहते हैं अलग अलग जोन के अलग अलग कलर्स रहते हैं जो आउटर मोस्ट जोन रहता है जो यूज़ुअली ब्लूइश कलर का रहता है वो होता है आउटर मोस्ट जोन एंड दैट इज दी हॉटेस्ट जोन जो मिडिल पोर्शन है वो यूजुअली येलो कलर का रहता है एंड वो मॉडरेटली हॉट रहता है और जो इनर मोस्ट जोन रहता है वो ब्लैकिश कलर का रहता है एंड दैट इज लीस्ट हॉट जो अनवैक्सड पार्टिकल्स रहते हैं वो इस जोन में बर्न होते हैं क्योंकि वो अनवैक्सड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं वो कंबर्शन को शो नहीं करते वो क्या प्रोड्यूस करते हैं स्मोक का प्रोड्यूस करते हैं और जो आउटर मोस्ट जोन है सिंस इट इज द हॉटेस्ट जोन तो सोनार जो गोल्ड होते हैं वो क्या करते हैं वो इसी जोन का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी चीज़ को में बताओ कि अगर आपको एक बीकर में पानी गर्म करना है तो किस जोन का इस्तेमाल करोगे जल्दी से बताओ और अगर आपने ये बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया तो इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि अगर आपने लाइक नहीं करा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जल्दी से लाइक करो

एवरी कम्बस्टेबल मटेरियल इनक्लूडिंग लिक्विड एंड गैसे करती है नाउ स्टूडेंट अ कैंडल इज अ सोर्स ऑफ लाइट इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ सॉलिड फ्यूल विथ इंसर्टेड विक कैंडल क्या होती है एक वैक्स का सॉलिड पार्ट रहता है जिस पे एक बत्ती रहती है उस बत्ती को हम विक भी कह सकते हैं सो so, इस बत्ती पे क्या रहते हैं पार्टिकल्स रहते हैं जो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाउ देयर आर थ्री जोन्स ऑफ कैंडल थ्री जोन्स ऑफ फ्लेम दैट आर स्पेसिफिकली द हॉटर जोन इज द आउटर मोस्ट जोन एंड ऑल्सो नोन एज द नॉन ल्यूमिनस जोन So, ये जो आउटर मोस्ट हॉटेस्ट जोन है ये जो आउटर मोस्ट हॉटेस्ट जोन है इसको हम क्या कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन क्या कहेंगे और नॉन ल्यूमिनस जोन क्यों हम आउटर मोस्ट जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम ब्राइटनेस और लाइटनेस देता है वो है मिडिल जोन लेकिन जो ब्लू वाला पार्ट है वो इतना ब्राइट नहीं रहता का मतलब ब्राइट, तो ब्राइट कौन सा पार्ट है येलो पार्ट इन येलो पार्ट इज द मिडिल पार्ट वेयर एज द आउटरमोस्ट पार्ट इज कम ब्राइट दैट इज वाई इट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन मिडिल पोर्शन को हम क्या कहते हैं मॉडरेटली हॉट एंड इट इज द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम सो मिडिल पोर्सन को हम और क्या कहेंगे इनमो जोन इज ऑल्सो नोन एज डार्क जोन क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंबाशन नहीं हो रहा सो द मिडिल पार्ट विच इज द लीस्ट हॉट उसको हम डार्क जोन के नाम से भी जान सकते हैं सो so, यहाँ पे हमने कैसे करा हमने फ्लेम के बारे में तीन चीजें पढ़ी और वो क्या है सो so, बेसिकली हमने फ्लेम का जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में पढ़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में हमने क्या देखा फ्लेम के कितने पार्ट्स हैं? फ्लेम के तीन जोन हैं। पहला है द आउटर मोस्ट जोन फर्स्ट इज द आउटर मोस्ट जोन जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट इज आउटर मोस्ट जोन एंड इस जोन को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन क्या कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन क्योंकि इस जोन में बिल्कुल भी ल्यूमिनसिटी नहीं होती ये जोन ब्राइट नहीं होता इसीलिए इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन एंड द मिडिल पोर्शन एंड द मिडिल पोर्शन विच इज द मैक्सिमम ब्राइट विच इज द मैक्सिमम ब्राइट इस जोन को हम कहते हैं द मिडिल जोन द मिडिल जोन इट इज नोन एज द मिडिल जोन और इस जोन को क्या कह सकते हैं ल्यूमिनस जोन इस जोन को हम ल्यूमिनस जोन भी कह सकते हैं नाउ कमिंग टू द इनर मोस्ट पार्ट इनर मोस्ट पार्ट जो कि किस कलर का रहता है स्टूडेंट्स यूजुअली द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डार्क जोन सो इनर मोस्ट जोन इनर मोस्ट जोन It is also known as the dark zone. Is that clear? अब आप मुझे बताओ ये तीन ज़ोन्स हैं हमारे फ्लेम के, which is the hottest part? Definitely, तो hottest part of the flame is the outermost zone, that is the non-luminous zone. So अगर question आए कि non-luminous zone is the hottest part, so आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा hot कौनसा है?

आउटरमोस जोन इसी जगह अगर आपको कोई कॉपर को बर्न करना है कोई मेटल को बर्न करना है किस जोन का इस्तेमाल करोगे आउटर मोस्ट पार्ट यहीं अगर आपको गोल्ड को पिघलाना है तो किस जोन का इस्तेमाल करोगे आउटर मोस्ट पार्ट सो आउटर मोस्ट पार्ट विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इट इज मोस्टली यूज टू मेल्ट द थिंग्स इज दैट क्लियर चलिए कमिंग बैक टू आर थ्यूरी सो हमने जोन ऑफ फ्लेम्स देख लिए So, the outermost zone is, uh, of the flame is of blue color. The outer zone is the non-luminous zone which is because the wax has the complete oxygen for combustion. Oxygen is very present on the outermost part. Pe. Combustion se ho pata hai because there is sufficient oxygen supply. Now, the middle zone of the flame is yellow and the middle zone is moderately hot. अब आते हैं इनमोजोन इज डार्क इज ब्लैक क्यों? क्योंकि इनमोजोन में कोई कंबाशन नहीं हो रहा आउटरमोस्ट जोन पे मैक्सिमम कंबाशन होगा क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट है मिडिल पोर्शन पे थोड़ा कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसीलिए थोड़ा कम कंबाशन होगा इसीलिए मॉडरेटली हॉट है इनर मोस्ट आते, आते बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता इसीलिए वहां पे कंबाशन नहीं होता इसीलिए उसको नो कंबाशन जोन भी कहते हैं सो so, आज के सेशन के बाद हमने क्या सीखा मोस्ट जोन में सबसे ज्यादा कंबाशन होता है इसलिए उसे कंबाशन जोन भी कह सकते हैं क्योंकि हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट मिडिल पार्ट में थोड़ा कम और इनर मोस्ट पार्ट में लीस्ट प्रेजेंट रहता है सो so, यहाँ पे देखो दी हॉटेस्ट जोन येलो वन इट इज दउटर मोस्ट जोन जिसको हम कम्बाशन जोन भी कहते हैं मिडिल वन विच इज द येलो जोन इज इज मॉडरेटली हॉट लीस्ट हॉट ये जो ब्लैक पार्ट है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द दैट इज अनबर्नड वैक्स पार्टिकल्स जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का रहता है और वो लीस्ट कम्बासन शो करता है बिल्कुल कम्बासन शो नहीं करता इसीलिए वो ब्लैकिश कलर का रहता है now innermost zone of the flame is called inner zone or combustion zone middle zone is called the zone of flame the outermost zone is called also the radiation zone flames are often described as teardrop with a small round base and long thin टेल सो फ्लेम क्या होता है यूजुअली फ्लेम का जो बेस रहता है वो ब्रॉड रहता है लेकिन जैसे ही वो ऊपर टिप पे चला जाता है वो नारो हो जाता है पतली सी टेल की तरह रहता है तो इसको हम टेल शेप भी कहते हैं क्योंकि जो बेस है फ्लेम का दैट इज ब्रॉड लेकिन जैसे ही फ्लेम ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे टेपर हो जाता है सो फ्लेम आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ ड्रॉप शेप हमारे जो आंसू रहते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के ड्रॉप में रहते हैं कि नीचे का पार्ट ब्रॉडर है द बेस इज ब्रॉडर सो ये जो बेस है ये कैसा है ये ब्रॉडर है वेयर एज टॉप तक आते आते वो टेपर हो जाता है टॉप तक आते आते वो ऐसे टेपर हो जाता है इसीलिए उसे हम टीयर ड्रॉप शेप का भी कह सकते हैं बेस ऑफ द फ्लेम इज वेर द फ्यूल इज बींगे जो वैक्स है ये कहा तो जगह को बर्न हो रहा है एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम और टेल क्या है हमारी आउटर मोर्ड पार्ट दॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या टेल हॉटेस्ट पार्ट है तो आप क्या जवाब देंगे यस टेल इज दॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 4.5 जिसमें आपको एक कैंडल को लाइट करना है और कॉशन बी केयरफुल Now hold a a 4.4 to to 5 cm long thin glass tube with a pair of tongs. Introduce it one each other to dark zone and non flickering candle of the flame. यहाँ पे आपको एक ग्लास ट्यूब रहना है और धीरे धीरे उसे फ्लेम में इंट्रोड्यूस कराना है नाउ ब्रिंग lighted मैचस्टिक नियर एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ग्लास ट्यूब लिया यहाँ पे आपने ग्लास ट्यूब लिया एक एंड को आपको कैंडल के करीब रखना है एक एंड के करीब आपको मैच स्टिक को लाना है तो आपने क्या करा एक ग्लास ट्यूब क्लियर नाउ डू यू सी फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर वाइल क्या आपने देखा कि फ्लेम ने आग मतलब जो हमारी ग्लास ट्यूब है उसने फायर को कैच करा है एक साइड से

और यही चीज अगर आप किसके साथ करें मैचस्टिक के साथ करें तो सडनली फ्लेम आती है क्यों हुआ ऐसा क्योंकि कोई भी चीज जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वेपराइज करती है वो क्या प्रोड्यूस करती है फ्लेम का प्रोडक्शन करती है फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइस थ्रू दिक एंड जगह अगर आप कैरोन लो तो कैरोसिन भी जल्दी से वेपराइज कर जाता है तो इसलिए कैरोसिन भी आ, फ्लेम्स का प्रोडक्शन करेगा लेकिन इसी जगह अगर आप चारकोल लो तो चारकोल वेपराइज नहीं करता इसीलिए फ्लेम का प्रोडक्शन नहीं होगा ऑन the अदर हैंड इफ we टेक चारकोल इट does नॉट वेपराइज एंड सो does not प्रोड्यूस अ फ्लेम और उसी जगह अगर मैं चारकोल लूँ तो वो वेपराइज नहीं करता और चारकोल फ्लेम का प्रोडक्शन नहीं करता अब स्टूडेंट जो हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था उसी कैंडल के ऊपर आपको क्या लेना है एक ग्लास प्लेट लेनी है यहाँ पे देख रहे हैं ग्लास प्लेट सो उसी एक्सपेरिमेंट के आपको ऊपर ग्लास प्लेट देखनी है और आप नोटिस करोगे कि ग्लास प्लेट के ऊपर एक ब्लैक कलर की रिंग बन जाएगी सो so, वो रिंग क्या है वो रिंग एक्चुअली फॉर्म कर रही है बिकॉज कलेक्शन ऑफ कार्बन यहाँ पे ग्लास इज नॉन अम्बस्टिबल मटेरियल नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल होने की वजह से वो फायर को कैच नहीं करेगा लेकिन उसकी जगह एक ब्लैक कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी क्योंकि कार्बन कलेक्ट हो रहा है सो so, अगर मैंने इसी एक्सपेरिमेंट में एक स्टडी फ्लेम के ऊपर इंट्रोड्यूस करा एक क्लीन ग्लास प्लेट तो ये मेरा स्टेडी स्टेडी फ्लेम है इसके ऊपर मुझे लेना है एक क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इन टू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम और मुझे पता है ल्यूमिनस जोन क्या है ल्यूमिनस जोन इज द मिडिल पोर्शन नॉन ल्यूमिनस जोन इज द आउटर मोस्ट कंफ्यूज हो गए ना अब नहीं होना कि ल्यूमिनस जोन इज द मिडिल पार्ट द येलो पार्ट एंड नॉन ल्यूमिनस जोन इज द आउटर पार्ट सो आपको इस कैंडल को येलो पार्ट में रखना है ल्यूमिनस जोन पे रखना है ना होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट टेन सेकेंड्स और यहाँ पर टोंग देख रहे हो दिस इज टोंग सो उस टोंग की मदद से आपको टेन सेकेंड्स तक उसे होल्ड करके रखना है देन रिमूव इट वॉट डू यू ऑब्जर्व तो जब आप टोंग की मदद से इस ग्लास प्लेट को होल्ड करके रखोगे कैंडल के ऊपर सो so आपको देखना है कि क्या होगा सो so, आप नोटिस करोगे कि एक ब्लैक कलर की रिंग बनेगी तो वो ब्लैक रिंग क्यों बनी सर्क्यूलर ब्लैक ऑन द ग्लास प्लेट और ग्लासलाइड इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन तो वो कार्बन जो येलो जो लूमिनस पार्ट में जल नहीं पाया कंबाशन नहीं हो पाया वो कलेक्ट हो जाएगा ग्लास प्लेट के ऊपर एंड स्टूडेंट्स ये शो करता है कि द मिडल पार्ट ये शो क्या करेगा द मिडिल पार्ट दैट इज द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम वहां पे कंबासन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन का थोड़ी सी कमी हो जाती है और जिस पार्ट में कंबाशन पूरी तरीके से होता है दैट इज द ल्यूमिनस पार्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नाउ स्टूडेंट्स अगर उसी फ्लेम में मैंने एक थिन कॉपर वायर होल्ड करी सो so आप नोटिस करोगे कि उस कॉपर वायर में सडनली रेड कलर का हो जाएगा जैसे ही एक फ्लेम ऑफ कैंडल के ऊपर आप कॉपर वायर रखते हो तो जो पार्ट फ्लेम के ऊपर है वो सडनली येल्लो कलर का ब्राइट येल्लो कलर का हो जाता है सो so, वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दैट पार्ट वॉट इट कंडक्ट कम्बाशन शो करता है सो द होल्ड अ थिंग लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इन साइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट थर्टी से नॉन ल्यूमिनस जोन इज दउटरमो जोन सो यहाँ पे दैट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन इसलिए ब्लू कलर है क्योंकि ब्लू इज द नॉन ल्यूमिनस जोन दैट इज दउटरमो जोन सो यहाँ पे हमने नॉन ल्यूमिनस जोन में अगर अपना कॉपर वायर को रखा सो so, यहाँ पे टेन सेकेंड्स के बाद थर्टी टेन टू थर्टी सेकेंड्स के बाद क्या शो होता है नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट और जो पार्ट कॉपर वायर की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है नॉन लुमिनस जोन से वो सडनली रेड हॉट हो जाती है और क्या ये इंडिकेट करता है कि नॉन लुमिनस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम सो यस इट इंडिकेट्स कि जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज द नॉन लुमिनस जोन ब्लू जोन दैट इज दउट हॉटर या हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज दैट क्लियर सो so, ये हमें क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब आप मुझे इस चीज का आंसर दो कि जो हमारे गोल्ड स्मिट्स होते हैं जो सोनार होता है जो गोल्ड को पिघला के दूसरे फॉर्म में बनाते हैं कुछ इस तरीके से ये गोल्ड स्मिट है देखो सोनार क्या कर रहा है यहाँ पे फ्लेम को गोल्ड गोल्ड को फ्लेम से मेल्ट कर रहा है यहाँ पे देखो गोल्ड की रिंग है जिसको हम फ्लेम से मेल्ट कर रहे हैं सो so, आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे फ्लेम किस कलर की है ब्लू कलर की दैट इज द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज दॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम सो अगर मैं आपको बोलूं कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए हम कौन सा जोन ऑफ द फ्लेम का यूज करेंगे सो so, आप मुझे क्या जवाब दोगे नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम सो आप मुझे आंसर uh, दोगे नॉन ल्यूमिनस जोन जो कि क्या है हॉटेस्ट और वो कहा रहता है दी आउटर मोस्ट जोन वो रहता है दी आउटर मोस्ट जोन और क्यों होता है वो हॉटेस्ट जोन क्योंकि यहां पे कंबशन कंप्लीट हो रहा है कंबशन की जो प्रोसेस है वो इस पार्ट में कंप्लीट होती है क्यों क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट सो नाउ यू नो ऑल द रीजंस कि क्यों हमारे जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट है क्यों वो हॉटेस्ट रहता है क्योंकि उस जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड दैट इज वाई इट अंडरगोज कंबशन कंप्लीटली इसीलिए वो जोन हॉटेस्ट जोन रहता है इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स सो आज के सेशन के बाद ये क्लियर हो गया सो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड विथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम एंड स्टूडेंट्स आई होप नाउ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा मोर बास के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट को हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मैग्नेट मैग्नेड्रेन की वेबसाइट पर जो है डब्ल्यू 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 डॉट मैगनीड्रेन डॉट कॉम वहां जाके आपको बस क्लिक करना है ग्राफ ई नोट पे टॉपिक वाइज क्लास वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा मैग्नेट ड्रेन के ई नोट एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिविन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही चैनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे सीबीएसई बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड एम पी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश मैग्नेट ब्रेन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है आपको बस मैग्नेट ब्रेन को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहिए और स्टूडेंट्स जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे